हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, और आपकी सेहत कैसी है? मुझसे अनीता जी ने एक विषय पे बात करने के लिए कहा, तो आज मैं उन्हीं को अपने थॉट्स में रख के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अनीता जी जानना चाहती थी कि जो थंब है, अंगूठा है, उसमें चांदी का जो छल्ला पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं और उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये मैंने चांदी का छल्ला, आप देख पा रहे हो, इधर भी पहना है और इधर भी पहना है। ये मैंने बहुत टाइम हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गए मैंने पहना हुआ है, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूं कि अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं। अंगूठा जो है उसको शुक्र का कारक कहते हैं, वीनस, ठीक है? दिस इज वीनस, क्योंकि ये आपको, जैसे मैं आपको पामिस्ट्री में भी बता रही हूं, ये माउंट ऑफ वीनस है, और ये आपका जो है थंब जो है, अंगूठा जो है, ये भी आपका वीनस से रिलेटेड है। अगर आपको वीनस तंग कर रहा है, ठीक है, वीनस आपको पता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जो वीनस है वो हमारा लग्जूरियस प्लैनेट है, वो हमको हर तरह की सुख और सुविधाएं देता है, लग्जूरियस लाइफ देता है, और जो हम करना चाहते हैं उसमें हमको बाधा आने नहीं देता है। शुक्र के जो मित्र हैं, शनि, बुध और साथ में राहु, अगर ये तीनों प्लैनेट्स भी खराब है, शनि, बुध और राहु, तो भी आप अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। अगर शनि खराब है तो आपको बहुत ही स्ट्रगल करवाता है, मनी से रिलेटेड आपको बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, जैसे या तो आपकी जॉब चली जाएगी, या आपको आपके जो हेड है जहां से आपको सैलरी मिलती है वो आपको पैसे देने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, कहीं आपका मनी ब्लॉक भी हो सकता है, तो इसका मतलब आपका शनि खराब है। दूसरा राहु, राहु जो है हमेशा हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमें क्रिएट करता है और हमारी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा असर करता है अगर वो खराब है। प्रॉब्लम्स आना ये राहु का ही काम है। तो अगर राहु हमारे प्लैनेट, हमारे चार्ट में कहीं भी खराब हमको कर रहा है, खराब होके बैठा है, तो ये चांदी का छल्ला आपने जरूर पहनना है। अगर बुध खराब है, बुध खराब है, बुध मतलब बुद्धि, अगर बुद्धि खराब है, आपकी थिंकिंग जो पार है वो कमजोर होती जा रही है, डिसीजन लेने में आपको समस्याएं आ रही है, तो इसका मतलब आपने चांदी का छल्ला पहनना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वीनस खराब है, तो वीनस खराब है तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपके जो लाइफ है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें कहीं ना कहीं आपको समस्याएं आ रही है, तो आप ये छल्ला जरूर पहनिए। अगर नहीं भी खराब है तो भी चांदी का छल्ला नुकसान नहीं करता, ये आप पहनिए। और पहनना कब है? ये आपने शुक्रवार को पहनना है। आप जब ये चांदी का छल्ला लेके आते हो, आप थर्सडे को सारी रात उसको आपने कच्चे दूध में भिगो के रख देना है, सुबह यानी फ्राइडे वाले दिन आपने इस पर धूप बत्ती करनी है, प्रार्थना करनी है, इसको अच्छी तरह वॉश करना है, और उसके बाद आपने शुक्र के होरा में इसको पहन लेना है। बहुत से हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको होरा का ज्ञान नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद 8 बजे से पहले पहले आप उसको पहन लीजिए। जब सनराइज होता है आपने उठ के अपना नहा लेना है, क्योंकि हम किसी चीज को धारण करने के लिए हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और साफ सुथरे शरीर पे आपने अपना चांदी का छल्ला पहन लेना है। आप इसके रिजल्ट्स अपने आप देखोगे,
देखिए, मैंने इसको, मैंने बताया 4-5 साल से मैंने इसको पहना हुआ है और मेरे किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आई है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको जरूर पहनिए। वर्क प्लेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो अथॉरिटी है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप ये छल्ला पहनिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता, ये आपको फायदा ही करेगा। तो आई होप अनीता जी आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो आप भी ये छल्ला जरूर पहनिए और आप इसको अंगूठे में पहनिए। वैसे तो लेडीज हैं वो लेफ्ट में पहन सकती हैं, जो जेंट्स हैं वो राइट में पहन सकते हैं, लेकिन मैंने तो दोनों में पहना, बिकॉज इट्स गिविंग मी गुड रिजल्ट। सो सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।